हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का क्लास स्टार्ट करें। बच्चों, कल मैंने आप लोगों को नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था। जैसे कि बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, किस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन को हम नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या बोल सकते हैं बच्चों नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे कि बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था, बच्चों इन आवर सोसाइटी में ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिनका ऑब्जेक्टिव बच्चों शुरुआत से ही हेल्प करना होता है, सेवा करना होता है, ना कि किसी प्रकार का प्रॉफिट पाना होता है। सो देयर आर सर्टन ऑर्गेनाइजेशन इन आवर सोसाइटी हुज मेन ऑब्जेक्टिव बच्चों सोल ऑब्जेक्टिव बोल सकते सारा ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड बच्चों सर्विसेज, इज टू रेंडर सर्विसेज टू इट्स मेंबर एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट। बच्चों दीज आर नोन एज नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके बच्चों, यू नो द एग्जाम्पल्स बच्चों, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, चैरिटेबल स्कूल्स, कॉलेजेस बच्चों, आपका गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस, टेम्पल्स, आपका कल्चरल सोसाइटी, स्पोर्ट्स क्लब, बच्चों वेलफेयर सोसाइटी, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। देन मीनिंग मैंने आपको बताया था बच्चों, अनऑर्गेनाइजेशन विच इज मेड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट, नॉट फॉर मेकिंग प्रॉफिट इज नोन एज नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। देन डेफिनेशन भी बता सकते हैं, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी डिफाइंड एज, कुछ भी लिखो, अनऑर्गेनाइजेशन, अन एंटिटी, अन एंटरप्राइज विच इज एस्टैब्लिश्ड फॉर रेंडरिंग सर्विसेज, प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड नॉट फॉर मेकिंग प्रॉफिट। कुछ भी लिख दो बच्चों उसी मीनिंग के साथ जुड़ा हुआ, दैट इज नोन एज डेफिनेशन। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों, एज यू नो देयर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, इज नॉट टू मेक प्रॉफिट। बच्चों इनका ऑब्जेक्टिव ही बिल्कुल नहीं है प्रॉफिट पाना, इज नॉट टू मेक प्रॉफिट। अगर इनका ऑब्जेक्टिव बच्चों मेक प्रॉफिट नहीं है, मेकिंग प्रॉफिट नहीं है, सो देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर बच्चों आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ओके बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। Since their objective is not to earn profit, is not to make profit, bachcho, there is no need to prepare bachcho any trading account, any profit and loss account, and balance it. But bachcho, phir bhi, in order to avoid the chances of misappropriation of goods, हमारे पास जो सामान है, हमें जो distribute करके दिया है, suppose books हो, blanket हो, अगर हम आधा distribute करके आधा लेके दुकान में भेज देंगे तो कुछ भी हम खा सकते हैं, गवर्नमेंट जितना पैसा हमें देगी हम आधा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आधा खुद खा लेंगे। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड द चांसेस ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, सॉरी मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, कैश में बोल देते हैं चलेगा ऐसा, या मिस एम्बेजलमेंट, या एक ही वर्ड एकदम, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स ऑफ कैश, दे आर मतलब दीज ऑर्गेनाइजेशन आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन बच्चों रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। And these accounts are required to submit in the bachcho general meeting of the company for their reference, future plan, policy, उनको जो भी करना है इसलिए इसको submit किया जाता है। So these are the bachcho accounts of not for profit making organization। हमारा topic भी यही था, accounts बच्चो हमारा topic यही था, accounts for topic था बच्चो accounts of बच्चो not for profit making organization। क्लियर? सो व्हाट आर द अकाउंट्स बच्चों, पहले तो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट चला गया मेरी डेफिनेशन के साथ, हमें मालूम भी पड़ गया ऐसा अकाउंट्स क्यों बनाया जाता है। प्रीवियसली हम ये सब बनाते थे, इसके लिए हमें क्या जरूरत था, जर्नल लेजर सब कुछ जरूरत था, पर इसमें हम लोग बनाते हैं रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। एंड यस्टरडे बच्चों मैंने आपको क्लास खत्म करने से पहले रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में बताया था। सो बच्चों फिर से बता रहा, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अगर ध्यान से आप इसको सुनते हो, रिसीप्ट एंड पेमेंट बच्चा, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो दैट मीन्स बच्चा मालूम पड़ा जिस अकाउंट में बस सारे रिसीप्ट आते हैं एंड सारे पेमेंट्स आते हैं, अगर ऐसे लिख दो रिसीप्ट एंड पेमेंट्स हो गया। सो बच्चों रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर बाय नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ओनली। बच्चों कौन बनाता है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, इन लियू ऑफ, मैंने बताया था इंस्टेड ऑफ बच्चों कैश बुक, इन लियू ऑफ कैश बुक। तो अगर कोई पूछेगा बच्चा ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाती है, कैश बुक बनाती है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाती है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाती है। सो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ओनली इन लियू ऑफ कैश बुक।
इन लियो ऑफ कैश बुक। बच्चों इट्स ए रियल अकाउंट इन नेचर। 10 बच्चों ऑल रिसीप्ट, मैंने बताया था सारे रिसीप्ट, एवरी ऑल टाइप्स ऑफ रिसीप्ट, वेदर इट इज रेवेन्यू हो, कैपिटल और डेफर्ड, सारा रिसीप्ट शोन इन द डेबिट साइड। एंड बच्चों ऑल पेमेंट, चाहे रेवेन्यू हो, कैपिटल, कोई भी पेमेंट हो, पैसा जा रहा है, सो शोन इन द बच्चों क्रेडिट साइड या पेमेंट साइड। रिलेटिंग टू करंट ईयर, पास्ट ईयर एंड फ्यूचर ईयर। इस साल का भी अगर आप पेमेंट कर रहे हो, रिसीप्ट कर रहे हो, लिखोगे। अगर आपने लास्ट ईयर का पेमेंट इस साल किया, उसको भी आज लिखोगे, इस साल लिखोगे। एंड अगर आप फॉलोइंग ईयर्स का, सब्सिक्वेंट ईयर का, फ्यूचर ईयर का, नेक्स्ट ईयर का पेमेंट करते हो, 2020, 21, 22, 23 का भी पेमेंट इस साल करते हो, तो बच्चों वो पेमेंट भी आप लिखोगे। यू नीड टू कंसिडर ओनली द बच्चों कैश रिसीप्ट एंड कैश पेमेंट। बच्चों दैट मींस कंप्लीटली दिस अकाउंट इज डिपेंडेंट ऑन बच्चों योर कैश ट्रांजेक्शन। नो क्रेडिट ट्रांजेक्शन, नो आउटस्टैंडिंग, नो एक्रूड, नो एडवांस, ये सब का कोई काम ही नहीं है, एडजस्टमेंट काम नहीं है, आउटस्टैंडिंग नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पेमेंट किया है तो लिखोगे, चाहे कोई भी पेमेंट हो, अगर नहीं किया तो नहीं लिखोगे। आउटस्टैंडिंग एक्रूड आएगा नहीं, यहां पर आउटस्टैंडिंग एक्रूड आएगा नहीं। क्लियर बच्चों? सो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ओनली इन लियो ऑफ कैश बुक। इट्स ए रियल अकाउंट इन नेचर। दस इट्स डेबिट साइड शोस ऑल रिसीप्ट, वेदर इज रेवेन्यू, कैपिटल एंड क्रेडिट साइड आल्सो शोस ऑल पेमेंट्स बिलोंग्स टू, बच्चों रिलेट्स टू कैपिटल एंड रेवेन्यू, रिलेटेड टू करंट ईयर, प्रेजेंट ईयर, पास्ट ईयर एंड फ्यूचर ईयर। एंड द रिजल्टेंट फिगर, इसका फाइनली रिजल्ट क्या निकलेगा जब आप इस अकाउंट को बनाते हैं, इसका रिजल्ट बच्चों क्या मिलेगा आपको? सपोज ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बन रहा है, तो आपका डेबिट साइड में बच्चों सारे रिसिप्ट आ गए एंड क्रेडिट साइड में बच्चों आपके सारे पेमेंट्स आ गए। तो यहां पे आपने रिसिप्ट लिखा, यहां पेमेंट लिखा, तो क्लोज करने पे बच्चों आपको क्लोजिंग कैश बैलेंस मिल जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्लियर बच्चों? ये नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा आपका? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहां पे भी बच्चों अगर प्रीवियस ईयर से स्टार्ट होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से होगा। सो बच्चों इस रिजल्टेंट फिगर से बच्चों क्लोजिंग कैश बैलेंस, इसका रिजल्टेंट फिगर हमें से दिखाता है क्लोजिंग कैश बैलेंस। खत्म। नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, इसी का अभी इनकम टैक्स अकाउंट नहीं पढ़ेंगे, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, उसको भी आज पढ़ाऊंगा। नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा एग्जाम में आएगा बच्चों? व्हाट डू यू मीन बाय रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? What are the features? What are the characteristics of बच्चों रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? तो इसका characteristics क्या है? Receipts and बच्चों payments अकाउंट में आपको ऑलरेडी सारा नोट्स लिखवा चुका हूं, कल भेजा भी था, तो आप उसको देख सकते हैं, पर अभी मुझे फिलहाल सुने, किसी को देखने की जरूरत नहीं नोट्स को। सो बच्चों what are the characteristics? या नेचर या बच्चों फीचर्स बोल सकते हो, ओके एलिमेंट्स भी बोल सकते हो। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं बच्चों, आप लोग खुद बच्चों बता सकते हैं। पहले बच्चों फर्स्ट पॉइंट, इट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इन लियू ऑफ कैश बुक। इसको सिर्फ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाती है इन लियू ऑफ कैश बुक ऑनली। इट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इन लियू ऑफ कैश बुक ऑनली, सिर्फ कैश बुक के बदले, इन लियू ऑफ कैश बुक। ओके बच्चों फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकते हो बच्चों? फीचर्स, वेरी सिंपल, ये आपका 8 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है, आप लिखोगे इसको बच्चों। इट इज रियल अकाउंट इन नेचर, या इट इज इन द नेचर ऑफ रियल अकाउंट, इट इज रियल अकाउंट बाय नेचर। सो रियल अकाउंट बाय नेचर बच्चों, ये रियल अकाउंट हो गया। ओके यहां लिखा है नोट्स में, आप लोग देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट बच्चों आपका क्या होगा बच्चों, इसमें क्या लिखेंगे नेक्स्ट? थर्ड पॉइंट, इट्स डेबिट साइड शोज ऑल रिसीप्ट्स, या रिसीप्ट्स आर शोन ऑन द डेबिट साइड एंड पेमेंट्स आर शोन इन द रिसीप्ट्स आर शोन इन द डेबिट साइड एंड पेमेंट्स आर शोन इन द। तो डेबिट साइड में बच्चों आपका रिसीप्ट्स आएगा एंड क्रेडिट साइड में बच्चों आपका पेमेंट्स आएगा। तो अगर इस तरह से देखिए बच्चों, तीन पॉइंट तो हमारे मीनिंग से ही निकल गए। तो पहला पॉइंट बच्चों, इट इज प्रिपेयर्ड इन लियू ऑफ कैश बुक ओनली,
बाय द नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड पॉइंट बच्चों इट इज रियल अकाउंट इन नेचर। थर्ड पॉइंट बच्चों रिसीव्स आर ऑन द डेबिट साइड या लेफ्ट हैंड साइड एंड पेमेंट्स आर ऑन द क्रेडिट साइड या राइट हैंड साइड। देन बच्चों क्या लिख सकते हैं बच्चों, इट रिकॉर्ड्स बच्चों ऑल कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीव्स। ये बोथ क्या लिखता है तो इसको लिख रहे हैं इट रिकॉर्ड्स बच्चों बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीव्स एंड पेमेंट। एक साथ भी लिख सकते हो, रेवेन्यू रिसीव्स भी लिख दो एंड पेमेंट्स भी लिख दो। सो इट रिकॉर्ड्स बच्चों बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीव्स एंड पेमेंट्स। रिसीव भी होता है पेमेंट भी होता है। नेक्स्ट आइटम बच्चों क्या हो सकता है बच्चों, इट रिकॉर्ड्स आइटम रिलेटिंग टू, इट रिकॉर्ड्स आइटम्स रिलेटिंग टू बच्चों करेंट ईयर पास्ट ईयर फ्यूचर ईयर। सो इट रिकॉर्ड्स बच्चों ऑल ईयर आइटम्स। सो इट रिकॉर्ड्स बच्चों प्रेजेंट ईयर प्रेजेंट पास्ट एंड बच्चों आपका फ्यूचर ईयर ईयर्स आइटम्स। तो इट रिकॉर्ड्स बच्चों सारे साल का आइटम लिखते हैं, चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो चाहे फ्यूचर का हो। ओके बच्चों, सो इट इज प्रिपेयर्ड इन योर कैश बुक, इट इज रियल अकाउंट इन नेचर, इट्स डेबिट साइड सो रिसीव्ड क्रेडिट साइड सो पेमेंट्स या रिसीव्ड आर ऑन द डेबिट साइड पेमेंट्स आर ऑन द क्रेडिट साइड। देन बच्चों इट रिकॉर्ड्स बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीव्ड एंड पेमेंट, या दो पॉइंट कर सकते हो इसको। फिर इट रिकॉर्ड्स बच्चों प्रेजेंट ईयर पास्ट ईयर एंड फ्यूचर ईयर आइटम्स, पांच पॉइंट हो गए। सिक्स पॉइंट बच्चों इट हैज ओपनिंग बैलेंस, इट हैज ओपनिंग बैलेंस ऑफ बच्चों कैश इन हैंड और बैंक हो सकता है। इट हैज ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड कैश एट बैंक बच्चों। इट हैज क्लोजिंग बैलेंस या रिजल्ट ऑन फिगर क्या होगा बच्चों, इसका क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस भी होगा ये कैश इन हैंड कैश एट बैंक। ओके बच्चों कितने पॉइंट हो गए, सात पॉइंट हो गए। यू कैन ऑल्सो राइट बच्चों और क्या लिख सकते हो बच्चों, इट डजंट रिकॉर्ड बच्चों एनी एडजस्टमेंट, इसमें एडजस्टमेंट लिखा नहीं जाता, इसमें इट डजंट रिकॉर्ड बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्रूड, ये लिखता नहीं है। आउटस्टैंडिंग मिलने वाला है देने वाला है, अगर एक्रूड मतलब मिलने वाला है आउटस्टैंडिंग देने वाले तो दिया तो नहीं। इट डजंट रिकॉर्ड बच्चों क्रेडिट ट्रांजेक्शन लिखता नहीं है। ओके यू कैन ऑल्सो राइट बच्चों इट डजंट रिकॉर्ड एनी नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम्स बच्चों कोई भी रिजर्व प्रोविजंस डेप्रिसिएशन ये सब लिखता नहीं है, डाउटफुल डेट ये सब लिखेगा ही नहीं। इट डजंट रिकॉर्ड एनी नॉन कैश आइटम बच्चों, नॉन कैश आइटम का मतलब तो सभी को समझ में आ रहा है, जिसमें कैश रिलेटेड नहीं होगा, पैसा जहां पे नहीं जा रहा, पैसा जहां पे नहीं आ रहा, जैसे आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट था ये नॉन कैश आइटम से रिजर्व प्रोविजन, पैसा तो हमारे पास ही रह रहा है बच्चों। क्लियर बच्चों समझ में आया, तो बेसिकली बच्चों प्रोविजन डेप्रिसिएशन को ये रिकॉर्ड नहीं करता। क्लियर, ये नॉन कैश आइटम्स नहीं है। कितने पॉइंट्स हो गए, नाइन पॉइंट्स हो गए। यू कैन ऑल्सो बच्चों राइट इट इज बच्चों इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस बच्चों, यू आपको बताया जाएगा बच्चों अकाउंटिंग के बेसिस क्या होते हैं। अभी फिलहाल आपको दो ही बेसिस जानने हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटेंसी, एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटेंसी। एक कैश बेसिस होता है और क्या होता है एक्यूरल। कैश बेसिस मतलब जो लोग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटेंसी करते हैं वो सिर्फ पैसा आने और पैसा देने पर ही रिकॉर्ड करते हैं, और जो एक्यूरल बेसिस होते हैं बच्चों उनको पैसा आएगा भी लिखेंगे, पैसा नहीं आएगा भी लिखेंगे, पैसा जाएगा भी लिखेंगे, पैसा नहीं जाएगा भी लिखेंगे। तो जैसे कि अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, वहां पे था एक्यूरल बेसिस। क्या था एक्यूरल, वेजेस पेड हुआ है आउटस्टैंडिंग के दोनों को लिखते थे, आपका इंटरेस्ट रिसीव है एक्यूरल उसको भी लिखते थे, पर इट इज बेस्ड ऑन बच्चों कैश बेसिस ऑफ अकाउंटेंसी। ओके बच्चों यू कैन ऑल्सो राइट, कितने पॉइंट्स मैंने निकाला यहाँ पे, यू कैन ऑल्सो राइट जो बोल रहा हूं वही लिखना एग्जैक्ट। इट इज बच्चों हियर बैलेंस शीट इज नॉट प्रिपेयर्ड, या बैलेंस शीट बनती नहीं है। अगर कोई बोलेगा बच्चा सर क्यों नहीं बनती, क्यों बनेगी, इट रिकॉर्ड्स बोथ कैपिटल आइटम एंड रेवेन्यू आइटम। आपका ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट में बस रेवेन्यू आइटम होता था, सो व्हाट अबाउट कैपिटल आइटम। रेवेन्यू आइटम मींस बच्चों नॉमिनल अकाउंट्स आइटम्स, तो व्हाट अबाउट योर पर्सनल अकाउंट्स आइटम बच्चों, डेप्टर क्रेडिटर बैंक ओवरड्राफ्ट लोन ये सब क्या पर्सनल अकाउंट आइटम्स है। रियल अकाउंट बच्चों फर्नीचर आपका प्लांट मशीनरी ये क्या रियल अकाउंट्स है। सो आपका ट्रेडिंग अकाउंट पी एंड एल अकाउंट रिकॉर्ड्स ओनली नॉमिनल अकाउंट्स आइटम्स, या बच्चों सिर्फ हम बोल सकते हैं क्या बोलो सिर्फ ओनली रेवेन्यू आइटम्स को
डील करते थे, रिलेट करते थे। सो व्हाट अबाउट द बच्चों पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, व्हाट अबाउट द बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर रिसीप्ट, सो दे विल अपीयर बच्चों, दीज आइटम्स विल अपीयर इन द बैलेंस शीट, बट सिंस इट रिकॉर्ड्स फ्रॉम द बिगिनिंग बोथ द कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स, देयर इज नो नीड बच्चों, नो नीड मतलब नहीं, हियर बैलेंस शीट इज नॉट प्रिपेयर, काम खत्म। तो बैलेंस शीट यहां बनेगा, बैलेंस शीट इज नॉट प्रिपेयर। तो मैंने आपके सामने तो 10-11 पॉइंट्स अभी तुरंत लिख दिए, यू कैन फॉलो बच्चों एवरी आइटम्स, कोई डिफिकल्टी नहीं है बच्चों। तो दीज आर द आपका फीचर्स हो गया, सो इट इज प्रिपेयर्ड इन लियो ऑफ कैश बुक बाय द नॉटरी ऑर्गेनाइजेशन ओनली, इट इज रियल अकाउंट इन नेचर, इट इज इन द नेचर ऑफ रियल अकाउंट, हियर रिसीप्ट्स आर शोन ऑन द डेबिट साइड एंड पेमेंट्स आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड, इट रिकॉर्ड्स बच्चों बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स, बच्चों इट रिकॉर्ड्स प्रेजेंट ईयर पास्ट एंड फ्यूचर ईयर आइटम्स, ओके। देन बच्चों इट हैज ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैशिन एंड कैशर बैंक, अगर इस आइटम को नहीं लिखो इसको लास्ट में लिख सकते हो, द रिजल्ट एंड फिगर या लिख दो यहीं पे, फिर से और एक पॉइंट लिख देना, द रिजल्ट एंड फिगर ऑफ दिस अकाउंट्स आइदर कैशिन हैंड और कैशर बैंक या क्लोजिंग कैश बैलेंस, क्या होगा वो कैश बैलेंस हमारे पास रहे चाहे बैंक में रहे, कैश बैलेंस तो होगा। देन बच्चों इट डजंट रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग अक्रूड, नहीं रिकॉर्ड करता, इट डजंट डील विद एनी नॉन कैश आइटम, यहां लिखा नहीं होता नॉन कैश आइटम आएगा नहीं, इट इज बेस्ड ऑन कंप्लीटली ऑन कैश बेसिस, अगर कैश आएगा लिखेंगे, कैश नहीं आएगा नहीं लिखेंगे, कैश जाएगा लिखेंगे, नहीं जाएगा नहीं लिखेंगे, एंड बैलेंस शीट फाइनली हियर बैलेंस शीट इज नॉट प्रिपेयर्ड। अगर कोई तुम्हें यहां पूछेगा सर बैलेंस शीट क्यों नहीं बनाते बताओ, तो आप बताओ कि बिकॉज इट रिकॉर्ड्स बोथ कैपिटल रेवेन्यू आइटम्स, सर कुछ तो आइटम बचा ही नहीं है, अगर बचेगा तो बैलेंस शीट बनाएंगे। सो तुमको यहां से मालूम पड़ रहा है जो हमारा नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो वो अगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाती है उसको अपना काम खत्म हो जाता है, उसको इनकम एक्सपेंस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, आइदर वो बनाएगी नहीं तो ये बनाएगी या दोनों बना भी सकती है। अगर इसे इंफॉर्मेशन मालूम पड़ेगा रिसीट पेमेंट कितना साल बाद में रिसीट हुआ था, कितना पेमेंट हुआ, कितना पैसा बच गया। सो बच्चों मैंने जो आपको ये पॉइंट्स बताए इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो एक बार भी याद रह जाएगा, अभी याद भी रह चुका होगा, एंड इन फैक्ट बच्चों आप सोच लीजिए यहां कितनी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एंड फ्यूचर में कोई भी आपकी चेक करेगा नॉलेज को, अकाउंटेंसी को, इंटरव्यू में खड़े होंगे तो आपको कोई भी कुछ क्वेश्चन घुमा देगा तुरंत बता सकते हो, ये सब बेसिक है, नो नीड टू बच्चे लर्न तो बच्चों से बहाना होता है, बस समझ जाओगे तो अपने आप याद रह जाएगा। क्लियर बच्चों, सारे पॉइंट्स बच्चे इंपॉर्टेंट है, इन व्यू ऑफ कैश बुक, रियल अकाउंट, रिसीप्ट, कैपिटल, रेवेन्यू, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये ओपनिंग क्लोजिंग छोड़ दो बच्चों, आउटस्टैंडिंग नहीं आता, नॉन कैश नहीं आता, व्हिच बेसिस ऑफ अकाउंटेंसी, कैश बेसिस, बैलेंस शीट इज नॉट प्रिपेयर्ड, अगर कोई पूछे व्हाई बैलेंस शीट इज नॉट प्रिपेयर्ड, बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। क्लियर बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट अकाउंट बच्चों जो हमारा था रिसीप्ट एंड पेमेंट, नाउ मूव टू द बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये पॉइंट्स लिखे मैं इनको इरेज नहीं करता, ठीक है, हम इसको रिलेट करेंगे इसके साथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ। सो ओनली बच्चों मैं चेंज कर रहा हूं, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें, मैं यहां पे चेंज कर रहा हूं बच्चों, ओनली सेकेंड सो कर रहा हूं यहां पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नाउ देखो ये टर्म तो हम पहले से मालूम है शायद बच्चों, एक अकाउंट जो इनकम्स लिखता है एंड एक्सपेंडिचर लिखता है, बच्चों इनकम एक्सपेंडिचर तो आपने सुना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिखा जाता था, डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड में बच्चों डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर लॉसेस एंड क्रेडिट साइड में बच्चों इनकम गेन्स। सो स्टार्ट करें, इसका मीनिंग क्या है बच्चों ध्यान से सभी स्टूडेंट सुने, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय, ऑल्सो मैं यूज क्यों कर रहा हूं क्योंकि मैं यहां पे साथ में दोनों अकाउंट पढ़ा रहा हूं, पर एग्जाम में आप ऑल्सो नहीं लिखोगे, हाँ अगर आप रिसीव पेमेंट अकाउंट को भी एक्सप्लेन करते हो एंड साथ में उसी समय पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को एक्सप्लेन करते हो तो तुम वहां पे क्या यूज करोगे ऑल्सो, अदरवाइज ओनली अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोला है तो सिंपली लिखोगे बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ओनली,
बच्चों, बट इन लियू ऑफ, बच्चों इन लियू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, समझे कि नहीं? तो यहां पे बच्चों जैसे कि हम लोग ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट, और ये लोग तो सामान बेचते नहीं है, तो बेचते नहीं है, बस दान करते हैं, तो बेचते नहीं है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा, क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बट प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैसे बनेगा? यहां पे एम तो प्रॉफिट पाना नहीं है, तो प्रॉफिट वर्ड, जो वर्ड होता है बच्चों प्रॉफिट, इस वर्ड को मुंह में लाना भी पाप होगा। जैसे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही बच्चों नॉन ट्रेडिंग नॉट फॉर प्रॉफिट है, तो कभी भी जिंदगी में बैठे हुए सदस्यों के बीच में हमें कभी भी लाभ शब्द का उपयोग भी नहीं करना, यह हमारे लिए पाप हो जाएगा, गुनाह हो जाएगा, क्योंकि हमारा तो एम ही नहीं है लाभ पाना, किसी एंगल से किसी भी पॉइंट से हमें एक रुपए भी नहीं कमाना, सिर्फ सेवा करना है दिल खोल के पूरा, समझ में आए? तो यहां पे प्रॉफिट का नाम ही नहीं है, तो यहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कभी हो ही नहीं सकता। पर अगर वो जानना चाहते हैं तो और एक नाम से अकाउंट बनाएंगे, दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इन लियू ऑफ, इनस्टेड ऑफ, किसके परिवर्तित, कहां परिवर्तित, किसके बदले में, बच्चों इन लियू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्लियर? देन इट्स ए नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, सो इट्स डेबिट साइड सोल्स, जैसे वहां लिखा था सेकंड पर नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, सो इट्स डेबिट साइड सोल्स। रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑल कैसे होगा? रेवेन्यू, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब ओनली रेवेन्यू आइटम्स, एंड बच्चों क्रेडिट साइड सोल्स रेवेन्यू इनकम्स रिलेटिंग टू ओनली बच्चों प्रेजेंट ईयर, क्या होगा? प्रेजेंट ईयर, पास्ट फ्यूचर नहीं आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या पास्ट फ्यूचर आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर 2021 का इनकम हुआ है, एडवांस है, वो तो माइनस हो जाता है, आता नहीं है, रट ली हो पढ़ाई, कोई भी एडवांस या कोई लास्ट ईयर पेमेंट इस साल हो रहा है वो भी लिखा, वो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे रियल रियल मायने में हम आउटस्टैंडिंग क्या है पढ़ेंगे, किस चैप्टर में, यहाँ पे प्रीपेड क्या है पढ़ेंगे। अगर 2021 का पेमेंट दिया बच्चों को माइनस हो जाता है, देखो आप याद करो इंश्योरेंस प्रीमियम 30th सितंबर तक दिया था, तो आप माइनस करते थे, बिकॉज इट रिकॉर्ड्स ओनली करंट ईयर आइटम, इस साल का एक्सपेंसेस इस साल का इनकम के साथ मैच करके प्रॉफिट निकालोगे, कोई भी पास्ट फ्यूचर आइटम्स को लोगे नहीं। तो सिंपली इतना मत सोचो बच्चों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इन लियो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज ए बच्चों नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, सो इट्स डेबिट साइड सोर्स रेवेन्यू एक्सपेंसेस लॉसेस, आगे यहां इनकम एंड एक्सपेंस नाम है पर पहले आएगा एक्सपेंसेस फिर आएगा इनकम, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले आता है एक्सपेंस लॉस और रेट में आता है इनकम टैक्स, सो इट्स डेबिट साइड सोर्स बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड क्रेडिट साइड सोर्स बच्चों रेवेन्यू इनकम गेन्स, दैट मीन्स इट रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू आइटम्स, इट रिकॉर्ड्स ओनली शॉर्टकट में, इट इज अ रियल अकाउंट, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, thus it records only revenue item relating to present year only, current year only, and past and future items are not taken into account, past and future items ko ye lega nahi, khatam, and the resultant figure shows final figure, result kya niklega bachcho, tum bolo profit loss, no, resultant figure shows bachcho either surplus और डेफिसिट, क्या बोला? रिजल्टेंट फिगर सोर्स बच्चों यहां पे इसका रिजल्ट निकलेगा बच्चों सरप्लस और बच्चों डेफिसिट, इसका वर्ड का मतलब क्या है? सरप्लस मतलब बच गया, डेफिसिट मतलब बच्चों शॉर्टेज हो गया, यहां पे उड़िया में अगर बोलेंगे बालक का अभाव, सरप्लस बच गया भैया पैसा बच गया, इस साल हमने जितना कमाया था पेमेंट देने के बाद भी कुछ पैसा बचा उसको अगले साल बांटेंगे, एंड डेफिसिट मतलब हम बांट रहे हैं पर हमारे पास पैसा क्या हो जा रहा है? शॉर्टेज हो रहा है। सो बच्चों इसका आंसर प्रॉफिट मतलब सरप्लस, लॉस मतलब बच्चों डेफिसिट, बट वी नेवर यूज द टर्म प्रॉफिट नेट लॉस, वी ऑलवेज यूज सरप्लस एंड डेफिसिट, क्लियर बच्चों? सो अगेन बोलो, मीनिंग तो खत्म हो गया, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इन लियो ऑफ कैश इन लियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या सिंपली लिखो इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ओनली, बच्चों इट इज प्रिपेयर्ड इन लियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, सो इट्स डेबिट साइड रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू इनकम एक्सपेंसेस लॉसेस,
एंड क्रेडिट साइड शोज बच्चों रेवेन्यू इनकम्स एंड गेन्स। क्लियर बच्चों? देन बच्चों द रिजल्ट एंड फिगर शोज आइदर सरप्लस और डेफिसिट, आइदर सरप्लस और डेफिसिट। इफ क्रेडिट साइड एक्सीड्स, इफ क्रेडिट साइड मतलब इनकम साइड ज्यादा, यहां पे इनकम आएगा आपको तो मालूम है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट में एक्सपेंस लॉस से ज्यादा था, पर्टिकुलर अमाउंट पर यहां पे लिखोगे बच्चों क्या एक्सपेंडिचर, यहां पर्टिकुलर्स नहीं होगा बट एक्सपेंडिचर अमाउंट एंड बच्चों यहां पे इनकम्स अमाउंट। अगर आपका क्रेडिट साइड ज्यादा हुआ सो क्या निकलेगा टू सरप्लस, क्रेडिट साइड अगर सॉरी क्रेडिट साइड ज्यादा हुआ सरप्लस एंड डेबिट साइड ज्यादा हुआ तो बच्चों डेफिसिट, बस इतना सा काम है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बच्चों हमेशा बोलता हूं मुझे ध्यान से सुनो बच्चों, एवरी थ्योरी कोई भी टॉपिक नहीं होगा चाहे मैनेजमेंट हो मैथ हो अकाउंट्स हो कॉस्ट हो, मैं जिस दिन जो पढ़ाऊंगा उसी दिन ही याद रह जाएगा, पर बच्चों को पूरा ध्यान से क्लास को पूरे एंड तक शुरुआत से लेकर एंड तक पूरे ध्यान से सुनना है और नहीं सुनोगे तो बेकार हो जाएगा सब कुछ तुम्हारे लिए। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इंडिया ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट्स नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, डेबिट साइड शोज ओनली रेवेन्यू एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट साइड शोज रेवेन्यू इनकम्स गेन्स रिलेटेड टू बच्चों प्रेजेंट ईयर एंड बच्चों द एंड इट इग्नोर्स बच्चों बट नो फ्यूचर एंड पास्ट आइटम्स आर टेकन इनटू अकाउंट। फाइनली द रिजल्ट एंड फिगर शोज बच्चों आइदर सरप्लस इफ इफ क्रेडिट साइड एक्सीड्स इनकम साइड एक्सिट एक्सपेंडिचर साइड और बच्चों डेफिसिट इफ एक्सपेंडिचर साइड एक्सिट बच्चों इनकम साइड। क्लियर बच्चों? सो दिस इज ऑल अबाउट योर बच्चों आपका क्या हो गया इतना आपके लिए हुआ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बच्चों नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे इसका फीचर्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फीचर्स। बच्चों यहां पर तो लिखा है मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर और फीचर्स लेकर उसी को रिलेट करते हैं बच्चों। सो बच्चों पहला पॉइंट तो मैंने बता दिया आप लोगों को, इट इज प्रिपेयर्ड इन लियो ऑफ बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय द नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। सो इट्स प्रिपेयर्ड बच्चों, इट इज प्रिपेयर्ड इन लियो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर बच्चों? सेकेंड पॉइंट बच्चों, इट इज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, इट इज बच्चों नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। क्लियर? थर्ड पॉइंट बच्चों क्या लिखोगे, इट्स डेबिट साइड शोज, ऐसे जरूरत नहीं डेबिट साइड शोज या एक्सपेंसेस आर शोन इन द डेबिट साइड एंड बच्चों इनकम्स आर शोन इन द मेरी बात को सुनो और समझ के लिखो ऐसे नहीं हाँ। सो जैसे हमने लिखा था वैसे, सो पहले इट इज प्रिपेयर इन लियो ऑफ बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन इट्स ए नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, expenses are shown in the expenditures are shown in the debit side and incomes are shown in the अगर एक sequence को follow करोगे तो लिखने में भी आसानी हो जाएगा, तुमको याद रखने में आसानी होगा। Then बच्चों it records, यहाँ पे बहुत लिखा था, it records बच्चों only revenue receipts and payments काम खत्म, या it records only revenue items मतलब revenue incomes भी होगा gains भी होगा expenses भी होगा loss भी होगा। So it records बच्चों only revenue items, तो यहाँ पे आपका क्या cancel हो जाएगा कैपिटल कट जाएगा। सो इट रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू आइटम्स लिखोगे, सो इट रिकॉर्ड्स बच्चों लिख सकते हैं इट रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू आइटम्स ओनली। देन बच्चों इट रिकॉर्ड्स ओनली प्रेजेंट ईयर आइटम, क्या रिकॉर्ड करेगा ओनली प्रेजेंट ईयर आइटम बच्चों, इसका मतलब पास्ट एंड फ्यूचर ईयर आइटम्स को यहां पर कंसिडर किया जाएगा नहीं। तो 5 पॉइंट्स हो गए बच्चों, इट इज प्रिपेयर्ड इन लियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर या इट इज इन द नेचर ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स, एक्सपेंसेस आर शोन इन द डेबिट साइड, इनकम्स आर शोन इन द क्रेडिट साइड। ओके, देन बच्चों इट रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू आइटम्स, देन बच्चों इट रिकॉर्ड्स ओनली प्रेजेंट ईयर आइटम, फ्यूचर एंड पास्ट ईयर आइटम्स आर बच्चों इग्नोर, उसको हम लोग क्या करेंगे इग्नोर करेंगे। देन उसके बाद बच्चों इट हैज नो ओपनिंग बैलेंस बच्चों, इट हैज नो, इसमें क्या ओपनिंग बैलेंस होता है बच्चों, आप लोग कभी पीएनएल अकाउंट पढ़े हो, पीएनएल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस होता है, कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, वो प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट होता है, यहाँ तो प्रॉफिट नहीं है, तो यहाँ इट हैज नो ओपनिंग बैलेंस बच्चों, क्या नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और बैंक, कैश एंड बैंक।
क्लियर। इट हैज ऑल्सो बच्चों नो क्लोजिंग बैलेंस, इट हैज ऑल्सो नो क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस नहीं होता ओनली, बट यहां लिखना पड़ेगा बट। बट डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स रिप्रेजेंट्स बच्चों आइदर सरप्लस और डेफिसिट। बच्चों इट हैज नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश एक्विवेलेंट, इट हैज ऑल्सो बच्चों नो क्लोजिंग बैलेंस, बट बच्चों द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स रिप्रेजेंट्स बच्चों योर आइदर कैश इन हैंड और बच्चों कैश एट बैंक। तो डिफरेंस जो होगा बच्चों रिप्रेजेंट करेगा आइदर, सॉरी डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स बच्चों रिप्रेजेंट करेगा आइदर सरप्लस इफ क्रेडिट साइड एक्सिड डेबिट साइड, या इनकम साइड एक्सिड डेबिट साइड एक्सपेंडिचर साइड, और बच्चों डेफिसिट इफ एक्सपेंडिचर एक्सिड बच्चों इनकम। क्लियर बच्चों हो गया। उसके बाद बच्चों कितने पॉइंट्स हो गए हमारे, 7 पॉइंट्स हो गए बच्चों। इट रिकॉर्ड्स बच्चों ऑल एडजस्टमेंट, ऑल आउटस्टैंडिंग आपके अक्रूड जितनी आइटम्स है, इट रिकॉर्ड्स ऑल एडजस्टमेंट आइटम्स बच्चों। इट डील्स विद बच्चों नॉन कैश आइटम आल्सो, यहां पे डेप्रिसिएशन प्रोविजन सब आते हैं। ओके सो इट रिकॉर्ड्स बच्चों ऑल आउटस्टैंडिंग अक्रूड आइटम्स, इट रिकॉर्ड्स बच्चों इट डील्स विद आल्सो नॉन कैश आइटम्स, जो वहां नहीं होता तो यहां पर होता है। ओके देन उसके बाद बच्चों आप लोग बता सकते हैं बच्चों इट इज बेस्ड ऑन एक्यूरल बेसिस, इट इज बेस्ड ऑन एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटेंसी एंड हियर बैलेंस शीट मस्ट बी प्रिपेयर्ड, मस्ट बी प्रिपेयर्ड, यहां बैलेंस शीट बनाया जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, क्या बताया मैंने आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, इट इज प्रिपेयर्ड हेलो जी, हाँ जी मनीष सर बोल रहे हैं, हाँ हाँ बोलो अभी आ जाओ मैं हूं यहीं पे आपका बात कर लोगे। तो बच्चों समझ में आया सभी को, इट इज प्रिपेयर्ड इन लियो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, एक्सपेंसेस आर ऑन द डेबिट साइड एंड इनकम्स आर ऑन द क्रेडिट साइड, इट डील्स विद ओनली रेवेन्यू आइटम्स बच्चों, इट रिलेट्स टू प्रेजेंट ईयर आइटम्स, इट रिकॉर्ड्स ओनली प्रेजेंट ईयर आइटम्स, फ्यूचर एंड बच्चों आपका पास्ट ईयर आइटम्स आर इग्नोर्ड। Then it has no opening balance of cash in and cash at bank. It has also no closing balance of cash in and cash at bank. Except the difference between the two sides represents. कैसे बोल रहा हूँ वही language लिखना है. Either surplus if credit side exceeds the debit side, or बच्चों deficit if debit side exceeds the credit side. Then बच्चों it records all outstanding accrued items. It records also बच्चों depreciations. आपका reserve provision that means all the non-cash items are also taken into account. It is based on accrual basis of accountancy and here balance it must be prepared. So this is all about बच्चों और भी features हम लिख सकते हैं but these are the basic, हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है। These are all about the बच्चों characteristics, natures or features of your income and expenditure account. Clear बच्चों? Now अगर मैं आप लोगों को बता दूं आज एक question and आप लोग अगर उसको सुनना चाहते हो so that question बच्चों will give you 100% बच्चों, अगर मैं 1000% बोलूं भी चलेगा, minimum 3 marks, maximum बच्चों 8 marks in your CHSE examination. That means ये आपका guaranteed question है, पूरा confirm, दुनिया भी उलट जाएगी पर ये question exam में आने से कभी भी रुकेगा नहीं, अभी जो बोलने जा रहा हूं। तो either 3 marks में आएगा या 8 मार्क्स में आएगा, आई थिंक आप लोग अभी से भी लिख सकते हो, फिर भी मैं बता देता हूं 8 मार्क्स के लिए, पहले 12 मार्क्स का था, द गारंटेड क्वेश्चन ऑफ सीएचएससी बच्चों इस टॉपिक से जो आता है हर साल, डिफरेंस बिटवीन आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बच्चों क्या होगा, इनकम एंड ये तो आपको बता चुका हूं मैं ऑलरेडी, आराम सभी बच्चे लिख सकते हैं
एक्सपेंडिचर अकाउंट, पर ये क्वेश्चन गारंटेड क्वेश्चन है बच्चों आपका एग्जाम का। तो यहाँ पे हम लोग तीन चीजें कलम बनाते हैं, तीन कलम बनाते हैं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, नोट्स में आपको सही दे चुका हूं, नहीं दिया तो आज दे दूंगा बच्चों। पहला कलम हुआ बेसिस, देन हुआ आपका रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, तो बेसिस बच्चों यहां सीरियल नंबर देखते हैं हम लोग कितने होते हैं। तो पहला पॉइंट बच्चों इन लियू ऑफ, तुम लोग खुद आंसर बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा। पहला पॉइंट बच्चों हुआ इन लियू ऑफ, द सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है हमें। इन लियू ऑफ बच्चों क्या लिखोगे, इट इज प्रिपेयर्ड इन लियू ऑफ कैश बुक, इट इज प्रिपेयर्ड इन लियू ऑफ बच्चों और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन लिखने की जरूरत नहीं, बहुत को कौन बनाता है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। सो इट इज प्रिपेयर्ड इन लियू ऑफ बच्चों कैश बुक एंड इट इज प्रिपेयर्ड इन लियू ऑफ बच्चों प्रॉफिट एंड, तो ये हुआ कैश बुक के बदले बनता है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बदले बनता है। सेकेंड पॉइंट बच्चों नेचर, बच्चों इट इज रियल अकाउंट इन नेचर, इट इज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, पूरा सेंटेंस लिखना है तुम लोगों को। देन बच्चों यहां पे साइज, हियर रिसीप्ट्स आर शोन इन द रिसीप्ट्स आर शोन इन द डेबिट साइड में आएगा एंड पेमेंट्स आएगा बच्चों क्रेडिट साइड, तो ये डिफरेंस है ना, यहां पे एक्सपेंसेस आएगा एक्सपेंडिचर आएगा डेबिट साइड एंड बच्चों इनकम्स आएगा क्रेडिट साइड। ओके, तीन पॉइंट हो गया। देन बच्चों ओपनिंग बैलेंस, इट हैज ओपनिंग बैलेंस ऑफ बच्चों कैश इन हैंड और कैश है बैंक हो गया, बट इट हैज नो ओपनिंग बैलेंस, कितने सिस्टमेटिक वे में बच्चों डिफरेंस हो रहा है देखो। देन पांच नंबर बच्चों क्लोजिंग बैलेंस, इट हैज आल्सो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड कैश एट बैंक, इट हैज नो क्लोजिंग बैलेंस, नो क्लोजिंग बैलेंस एक्सेप्ट बच्चों द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स, आइदर बच्चों आपका सरप्लस होगा और मैं यहां पे बोल जो सेंटेंस बोल रहा हूं दैट इज द कंप्लीट सेंटेंस हो रहा है, इट हैज नो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड कैश एट बैंक एक्सेप्ट बिटवीन द टू साइड्स बच्चों आइदर सरप्लस और डेफिसिट। देन बच्चों आइटम्स, इट रिकॉर्ड्स बच्चों बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स, ओके इट रिकॉर्ड्स ओनली बच्चों इसको दो पॉइंट भी लिख सकते हो, रेवेन्यू रिसीप्ट्स कैपिटल रेवेन्यू रिसीप्ट, ये रेवेन्यू रिसीप्ट कैपिटल रेवेन्यू पेमेंट ओनली रेवेन्यू पेमेंट, तो दो हो जाएगा, मतलब यहां लिखोगे एक रिसीप्ट्स और एक पेमेंट, जरूरत नहीं है बच्चों। देन बच्चों पीरियड, पीरियड हुआ बच्चों इट रिकॉर्ड्स बच्चों करेंट ईयर पास्ट ईयर एंड बच्चों आपका फ्यूचर ईयर आइटम्स, इट रिकॉर्ड्स ओनली बच्चों करेंट ईयर आइटम्स, हो गया। कितने पॉइंट्स हुए बच्चों, सेवन पॉइंट्स हुए। देन मूव टू दी बच्चों और कुछ पॉइंट्स देखते हैं, ये सब आपको मालूम है आप सुनो बस, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। एट नंबर पॉइंट्स बच्चों यहां पे क्या होगा, अगर बोला जाए बच्चों यहां पे आउटस्टैंडिंग हाँ accrued, it doesn't record any outstanding accrued, it records बच्चों all outstanding accrued, या सिंपली उसको ना फॉलो करके आप और एक आइटम्स लिख सकते हैं बच्चों, उसके बाद बच्चों जैसे हम इस आइटम को इस पॉइंट को नहीं भी लिखोगे तो लिख सकते हो बच्चों नॉन कैश आइटम, क्या लिख सकते हो बच्चों, इट डजंट रिकॉर्ड एनी नॉन कैश आइटम्स लाइक डेप्रिसिएशन प्रोविजन रिजर्व बैड डेट्स, कहां नहीं आएगा बच्चों, इट रिकॉर्ड्स ऑल नॉन कैश आइटम्स, सिंपल तो हो गया बच्चों। देन यू कैन राइट बच्चों बैलेंस शीट, क्या हियर बैलेंस शीट इज नॉट प्रिपेयर्ड, व्हाई नॉट प्रिपेयर्ड तो बता चुका हूं तुमको, हियर बैलेंस शीट मस्ट बी प्रिपेयर्ड, तो 10 पॉइंट्स हो गए हमारे, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, एट या थ्री, आपको थ्री मार्क्स लिखना है, कुछ भी लिख दीजिए एनी थ्री पॉइंट, आपको थ्री मार्क्स मतलब थ्री पॉइंट्स ही लिखने हैं, यू नॉट नीड टू राइट बच्चों फोर पॉइंट्स भी लिखना नहीं है,
बेसिस के साथ थ्री पॉइंट्स लिख के आ जाओ, किसी को कोई जरूरत नहीं है फोर पॉइंट्स लिखने की। एंड एट मार्क्स में बच्चों एट पॉइंट सफिशियंट है, पर एट मार्क्स में अगर चाहते हो तो आप लोग हमारे स्टूडेंट सभी 10 पॉइंट लिख देना, मैं 11 12 बोल देता हूं अभी, पर आप लोग 10 पॉइंट लिख देना। देन बच्चे 11 नंबर पॉइंट क्या होगा बच्चों, आपका बेसिस ऑफ अकाउंटेंसी, क्या बेसिस ऑफ अकाउंटेंसी, इट इज बेस्ड ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटेंसी, इट इज बेस्ड ऑन बच्चा एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटेंसी, ये आपका बेस करता है कैश बेसिस पे, ओके ये बेस करता है एक्रुअल बेसिस पे। 11 पॉइंट्स हो गया। अगर और एक पॉइंट से ये बच्चों तो बच्चों यहां पे सेल ऑफ एसेट क्या लिख सकते हो, सेल ऑफ एसेट, अगर एसेट बेचते हैं, सपोज हम एक एसेट को बेचते हैं 10,000 रुपए में, तो यहां पे लिख दोगे 10,000 रुपए रिसीव साइड में, अमाउंट डिराइव फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट विल अपीयर ऑन द रिसीव साइड। पर अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात की जाए, सपोज हमने एसेट बेचा 10,000 में, तो ये हमेशा ध्यान देगा कि एसेट कितने का था, आपका एसेट था 9,000 का, बेचा 10,000 में तो प्रॉफिट हुआ, इट रिकॉर्ड द प्रॉफिट। और अगर 11,000 का एसेट था 10,000 में बेचा तो लॉस हुआ 1,000 पे, सो इट रिकॉर्ड्स ओनली द प्रॉफिट और लॉस ऑन द इन द रेस्पेक्टिव साइड। अगर 1,000 प्रॉफिट हुआ है तो इनकम साइड में, क्रेडिट साइड में, एंड बच्चों 1,000 का लॉस हुआ है तो एक्सपेंसेस साइड में या डेबिट साइड में। बट ये 10,000 मिला है 10,000 लिख देगा, 5,000 मिला है 5,000 मिलेगा लिख, ये ओनली रिसीप्ट साइड में लिख, यहां पेमेंट होगा ही नहीं, पर ये ओनली रिकॉर्ड करेगा प्रॉफिट और लॉस डिराइव फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स। दैट मींस बच्चों रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शोस द अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स, बट इट इग्नोर द अमाउंट रिसीव्ड, इट ओनली कंसिडर्स बच्चों योर प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट आपका क्रेडिट साइड पर, लॉस आपका डेबिट साइड। So this is all about your बच्चों differences between receipt and payment account and income and expense account। मैं आपको बता भी दिया हूँ 8 points बच्चों sufficient है, पर सारे students मेरे 10 points लिख दें exam में, आज से याद रखें 11, 12 याद रखें, and serial number basis ऐसे exam में लिखें, पूरा guaranteed बच्चों 8 में से 8 आपका आएगा। सोच लो कि आ भी गया ये question, आ भी सकते इस साल, अगर 8 ना आया तो guaranteed 3 marks आएगा, और 1 mark 2 marks में तो लगभग 10 marks से लेके 15 मार्क्स क्वेश्चन कहां से आएंगे, यहां से आएंगे, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो और भी ज्यादा हो जाएगा। बट दिस क्वेश्चन इज 100% बच्चों गारंटेड, क्लियर। सो दिस इज योर टुडेस क्लास बच्चों, होप सभी को समझ में आया, सभी ने कॉन्सेप्ट ऑफ योर कंप्लीट नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड द डिटेल कॉन्सेप्ट ऑफ योर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, डिटेल्स ऑफ योर इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट विद बच्चों उनका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, सारे पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नेचर पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड कंप्लीट पर ये सारे प्रिपरेशन पॉइंट है। आपको होप समझ में आया, तो ये था आज का क्लास। तो आज का होमवर्क बच्चों लिखें, सभी स्टूडेंट जो मैंने आज पढ़ाया उसको पूरी तरह से लर्न करना है। आई हैव ऑलरेडी सेंड यू बच्चों नोट्स, तो नोट्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे नेक्स्ट क्लास में व्हाट डू यू मीन बाय नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, पूरा इंट्रोडक्शन मीनिंग डेफिनेशन पार्ट, देन व्हाट इज रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट विद फीचर, इनकम एक्सपेंस अकाउंट विद फीचर्स, देन बच्चों द डिफरेंसेस बिटवीन दिस टू अकाउंट्स, इतना कल आपको याद करना है चाहे कुछ भी हो जाए। उसके साथ बच्चों आप लोग प्रैक्टिस करें, शेयर कैपिटल आप लोग भूल जाएंगे बच्चों, सिंपली शेयर कैपिटल आप पार प्रीमियम डिस्काउंट का प्रॉब्लम घर पे देखें, देख ले, और उसके बाद एक प्रॉब्लम जहां पे ऑफर सब्सक्रिप्शन फॉर फीचर है जो मैंने एग्जांपल्स करवाई हैं अपने मन से, उसको करें, एक प्रॉब्लम करके हैं ऑफर सब्सक्रिप्शन फॉर फीचर इशू जहां पे होगा, पर पार प्रीमियम डिस्काउंट एंड द एंटायर थ्योरी ऑफ शेयर कैपिटल पहले पढ़ें, व्हाट इज शेयर, टाइप्स ऑफ शेयर, व्हाट इज शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, देन इशू ऑफ शेयर्स बच्चों, स्टेजेस ऑफ इशू ऑफ शेयर, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, फॉर फीचर, आपका सरेंडर ऑफ शेयर, रीइश्यू ऑफ शेयर, कैपिटल रिजर्व, इतना सारा थ्योरी पढ़ें, देन स्टार्ट बच्चों प्रॉब्लम देखें, एग्जांपल्स पार प्रीमियम डिस्काउंट को देखें ओनली विद ट्रीटमेंट के साथ, डिस्काउंट का ट्रीटमेंट, प्रीमियम का ट्रीटमेंट, जो भी था उनका डिफरेंस था, कंडीशंस था, रिक्विजाइज था, सबको देखें। देखो एवरी क्वेश्चन मैंने बोल दिया और कुछ छोड़ा नहीं है सर, और होगा ही नहीं, बस कंडीशन और रिक्विजाइज छोड़ दिया था, तो सब पढ़ के फिर तीनों प्रॉब्लम को देखें, आपका फॉर फ्यूचर रीइश्यू जिस प्रॉब्लम में है उसको एक करके मुझे सेंड करें। इतने आज का होमवर्क है, धन्यवाद।